यहाँ की जनता ने वोट दिया है वो केजरीवाल के कामों पर ही वोट दिया है, ना कि शाहीनबाग के, ना ये सीए के, ना एनआरसी के, उस बुनियाद पर वोट नहीं दिया है। वोट दिया है सिर्फ केजरीवाल के कामों पर वोट दिया है जनता ने। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ने सबने केजरीवाल को ही वोट दिया है, ना कि मुस्लिमों ने वोट दिया केजरीवाल को, सबने मिलकर के वोट केजरीवाल को ही दिया है। जी मैं गरीब आदमी हूँ, काम के लिए वोट दिया है, जैसे बिजली का बिल और पानी, मैं इस वजह से बिल दिया है। सब वोट जो है झाड़ू पे गया है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। वो अमित शाह या मोदी वोदी कुछ कर ले तो उनका कुछ नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम, सारा वोट झाड़ू पे जा रहा है, काम पे जा रहा है। बिजली पानी तरक्की, औरतों का आना जाना फ्री, इन्हीं सारी बातों को देखते हुए झाड़ू पे मोहर लगाई है। मैं तो सिर्फ केजरीवाल, जिस हिसाब से उसने काम किया है, उस हिसाब से उसी को वोट बनता है, उसी की सरकार बनती है। किसी ने डाला है बीजेपी के, कांग्रेस को, बीजेपी को? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान संपन्न हो चुका है और इस वक्त हम सीलमपुर विधानसभा में है। सीलमपुर विधानसभा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में से एक है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य विधानसभाएं हैं दिल्ली में, उनमें से एक मानी जाती है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता जो है वो किसकी तरफ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक मूंगफली की रेहड़ी पर यहाँ बाजार के बीच में हम हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शेर मोहम्मद। आपने वोट डाला? ये वोट डाला? हाँ वोट डाला। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार जो मुस्लिम मतदाता थे आप लोग थे, किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग हुई है? बहुत मुद्दे पे ये हुई है कि आजकल ये पानी और स्कूल जरा सफाई अच्छी हुई है स्कूलों की, और पढ़ाई वढ़ाई जरा सही हो रही है, हॉस्पिटलों की सही हुई है काम। अच्छा। इस मुद्दे पे वोट डाला है हमने। तो लोकल जो मुद्दे थे उन पर वोटिंग हुई है? हाँ जी। हाँ, ये जो बाकी जो प्रचार में लगातार उछलता रहा कि देश के जो मुद्दे है, शाहीन बाग है, ये है वो है, उन पर नहीं, वो लोकल मुद्दे पे वोटिंग हुई है? लोकल पे हुई है, उन पे कुछ भी नहीं हुई है। अच्छा, काम पे हुई है, काम पे। क्या नाम आपका? मोहम्मद सुलेमान अंसारी। क्या करते हैं मोहम्मद जी? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। क्या देख रहे हैं यहाँ की जो जनता है आपकी, उसने किस मुद्दे पर वोटिंग की है? दिल्ली के अंदर पूरी जनता ने विकास को पर वोट दिया है, और यहाँ पर हिंदू मुसलमान सबों ने मिलकर एक तरफा वोट दिया है। जो कांग्रेस के लोग थे वो भी, जो बीजेपी के लोग थे वो भी, उन्होंने अपना पर्सनल फायदा देख करके बिजली पानी स्कूल हॉस्पिटल बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक तरफा वोट पड़ा है। यहाँ पर 90% वोट सारा का सारा झाड़ू को गया, अब्दुल रहमान को, जो सीलमपुर के नए विधायक बनेंगे। चौधरी साहब ने 21 साल में कुछ नहीं किया था, जिसकी वजह से लोग नाराज थे उनसे। अच्छा, एक बात बताइए कि जो मुस्लिम बाहुल्य जो क्षेत्र हैं, चाहे वो सीलमपुर हो, बाटला हो, जामिया हो, ओखला हो, इन सब में वोटिंग जो है वो बंपर वोटिंग हुई है। 6 बजे तक लोग जो है वहाँ पर खड़े रहे हैं, बाकी पूरी दिल्ली में वोटिंग इस बार डाउन रही है, इसका क्या चक्कर है? जी चक्कर ये है जो हमारे जो मोदी साहब हैं, इन्होंने ऊपर से ऑर्डर था कि वोटिंग बहुत हल्की चलाएं, वरना लोग अब भी अंदर, कम से कम पिछली बार 9 बजे तक हुई थी, अब 11 बजे तक वोटिंग हुई, सारे लोग अंदर, कम से कम 400-500 लोग अंदर हैं, अभी भी लोग अंदर हैं। ये हमारे बीजेपी के लोग, ये चाले मुसलमानी इलाकों के अंदर सुबह मॉर्निंग के अंदर जिन्होंने वोट डाला, वरना बहुत ही स्पीड कम कर रखी है इन्होंने। अब वही वोट अब जल्दी से लोग बाहर डाल करके आ रहे हैं कि अब स्पीड तेज कर दी, तो ये बीजेपी की चाल है कि वोटिंग कम हो, बीजेपी के ज्यादा डाल दें। बीजेपी जीत नहीं रही, ना ही उन्होंने जीतने के लिए इलेक्शन लड़ा, उन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक रुक जाए। अमित शाह जी ने जगह जगह पर्चे बांटे हैं, वो जानते हैं हम कहीं भी इलेक्शन नहीं जीतेंगे, हमारा वोट बैंक वहीं रुक जाए तो हमारी इज्जत है। इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए मोदी जी ने सेहरा अमित शाह जी के सर पर बांध दिया कि अब की हार का सेहरा आपके सर बंधेगा, वरना दिल्ली के अंदर बीजेपी का कुछ नहीं है। कांग्रेस तो बेचारी फ्लैट है, कांग्रेस तो कुछ भी नहीं है, एक भी सीट नहीं, जीरो, अपनी जगह बरकरार है कांग्रेस, जहां पहले थी वहीं आज है। यहां से दिल्ली से भारी बहुमत से वो अब्दुल रहमान जी जीत रहे हैं। आप बताइए कि आप जो है नौजवान है, नौजवान जो मतदाता है उसके क्या मुद्दे रहे, उसने जो वोटिंग किया है किस मुद्दे पे वोटिंग हुआ है? ये तो मुद्दा यही है सफाई का, और स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, अस्पताल में सही, अब की बार केजरीवाल ही आएगा। अच्छा, हाँ, दिल्ली में सरकार केजरीवाल की। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम रजा। क्या करते हैं? मदरसे में पढ़ाते हैं। मदरसे में पढ़ाते हैं जी सर। आज आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता ने किस मुद्दे पर वोटिंग की है? दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के कामों पर वोट दिया है, ना कि शाहीन बाग ये सब, इस पे वोट नहीं दिया है, और ये वोट दिया है जनता ने सिर्फ केजरीवाल के कामों पर। अच्छा, बार बार कहा गया कि इतना तेज से बटन दबाइए कि करंट शाहीन बाग तक पहुंचे, अमित शाह ने कहा अपनी रैली में, तो आज बटन कैसे दबाया, तेज दबाया कि आराम से दबाया? जैसे दबाते हैं वैसी दबाया बटन। हाँ, जैसे पीछे दबाते थे वैसे आज दबाया बटन। करंट फिर शाहीन बाग से निकला है या शाहीन बाग में पहुंचा है?
शाहीन बाग से पहुंचा है शाहीन बाग में। अमित शाह कह रहे थे ना कि करंट शाहीन बाग में लगे, वो कह रहे थे तो वो तो ऐसी बातें करते रहेंगे। अच्छा, लेकिन यहाँ की जनता ने वोट दिया है वो केजरीवाल के कामों पर ही वोट दिया है, ना कि शाहीन बाग के, ना ये सीए के, ना एनआरसी के, उस बुनियाद पर वोट नहीं दिया है। वोट दिया है सिर्फ केजरीवाल के कामों पर वोट दिया है जनता ने। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ने सबने केजरीवाल को ही वोट दिया है, ना कि मुस्लिमों ने वोट दिया केजरीवाल को, सबने मिलकर के वोट केजरीवाल को ही दिया है। अच्छा जी सर, ठीक है। हाँ आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पटेल है। क्या करते हैं पटेल? मैं गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं? हाँ। आप बताइए क्या माहौल है? काम के लिए वोट दिया है बस। अच्छा जी, मैं गरीब आदमी हूँ। हाँ। काम के लिए वोट दिया है, जैसे बिजली का बिल। हाँ। और पानी। हाँ। इस वजह से बिल दिया है, बाकी कोई हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई रोल नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। क्या नाम आपका? मोहम्मद साजिद। क्या करते हैं साजिद जी? ये मोटर पार्ट की सप्लाई का काम है। क्या देख रहे हैं इस बार जो चुनाव में, क्या मुद्दे रहे हैं लोगों के वोटिंग के? बस मुद्दे क्या जी, काम को वोट मिला। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ तो यूपी में जो है योगी जी ने बुरा हाल बना रखा है, बिजली के डबल दाम। यहीं के वोट रहे ना जी? हाँ। रहने वाले यहाँ के, मगर यूपी में भी है मकान हमारे। अच्छा, जो घर पे वहाँ बंद मकान है हमारे। हाँ। उन पे 800-800 रुपए का बिल, एक तक बल्ब पे 700-700 रुपए का हर महीने का बिल आ रहा, और यहाँ पे जो कोई बिल नहीं है। तो काम के ऊपर जो है वोट किया पब्लिक ने, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, काम को सलाम है। ठीक है। हाँ, क्या नाम आपका? जी मनोज। मनोज जी, क्या करते हैं मनोज जी? जी मैं भी गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते जी। आप बताइए कि नौकरी पेशा जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, क्या मुद्दे रहे हैं उनके इस बार वोटिंग के लिए? जो है हमारे सब हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर भाई साथ में है हमारे, और हमने झाड़ू को वोट डाला है 90% कम से कम। अच्छा, उनके साथ है केजरीवाल जी साहब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। ये बात लगातार जो है कही कही जा रही थी कि जो मुस्लिम वोटर है वो बीजेपी में ना कांग्रेस में और जो है आम आदमी पार्टी में, ये बट जाएगा। बटा है या एक तरफा पड़ा है, क्या हुआ? बटा कौन गिरा? बटा है? बटा नहीं है, सब झाड़ू पे गया है। अच्छा, सब वोट जो है झाड़ू पे गया है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। वो अमित शाह या मोदी वोदी कुछ कर ले तो उनका कुछ नहीं है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, ना हिंदू ना मुस्लिम, सारा वोट झाड़ू पे जा रहा है, काम पे जा रहा है, सिर्फ खाली काम पे जा रहा है, काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल काम की पहचान से कर रहे हैं। हाँ, पहले हम इस स्कूल में, हमने जहाँ वोट डाल के आए हैं, अब हम वोट डाल के आए हैं, पहले हम इस स्कूल में ही खेलते थे। पहले हमने बहुत पहले, अब तक हमने 20 साल पहले देखा था, मेरी उम्र 32 साल है, मैंने 20 साल पहले इस स्कूल में ही खेलता था। आज जाके देखा तो मुझे यहाँ जाके बहुत अच्छा सा लगा कि आज इतनी इसकी मतलब वो हो गई है, विकास हो गया, तरक्की हो गई है। आज मैं बैठा भी था थोड़ी देर वहाँ पे कुर्सी पे, तरक्की देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि केजरीवाल जी। आप बताइए क्या नाम है? वकील अहमद। क्या देख रहे हैं इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग हुई है? बस बिजली पानी तरक्की, औरतों का आना जाना फ्री, इसी इन्हीं सारी बातों को देखते हुए झाड़ू पे मोहर लगाई है। मतलब टोटल जो है ये चुनाव जो है लोकल मुद्दों पर हुआ, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आम आदमी को फायदा पहुँचे। ठीक है। हाँ, क्या नाम आपका? जी आफ्ताब। आफ्ताब, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। काम करते हैं, सिलाई। आप बताइए कि एक युवा जो है, आप किस मुद्दे पर वोटिंग किया है? जी विकास के मुद्दे पर किया है। अच्छा, दिल्ली में तो सिर्फ केजरीवाल, जिस हिसाब से उसने काम किया है। हाँ। उस हिसाब से उसी को वोट बनता है, उसी की सरकार बनती है। हाँ। और किसी को? हाँ, क्या नाम आपका? आबिद। आबिद, आबिद, क्या करते हैं आबिद? मैं तो काम करता हूँ, अपना खुद का काम है। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पर वोटिंग हुई है? काम पे हुई है, काम पे, केजरीवाल के जो काम हुआ है दिल्ली के अंदर। अच्छा, भाई आम आदमी को क्या चाहिए, सुविधा चाहिए, जो भी है सुविधा दे रहे हैं केजरीवाल, एजुकेशन की है। हाँ। बिजली पानी की है। हाँ। तो शिक्षा मिलेगी बच्चों को अच्छे से, या नहीं? हाँ। कोई ना कोई। हाँ, क्या नाम आपका? तसव्वुर अली। किस मुद्दे पर इस बार वोटिंग हुई है यहाँ पर? किस काम को लेकर हुई है? काम को लेकर। तो पूरी तरह से चुनाव लोकल मुद्दे पर रहा, जो नेशनल मुद्दे के बड़े बड़े मुद्दे जो उछाले जा रहे हैं, हमारा केजरीवाल को भी वोट डाल गया। अच्छा, आप बताइए भाऊ जी, सबकी सुन ली, अपने बताइए। जी हमने तो केजरीवाल को ही वोट डाला, काम के ऊपर वोट डाला है। काम पे ही डाला है। काम पे वोट डाला है, बिजली पानी फ्री है, सब कुछ, स्कूल की सुविधाएं फ्री हैं, सारी शिक्षाएं फ्री हैं। बस नाम मेरा मोहम्मद अफसार खान है। अच्छा। हाँ, वोट केजरीवाल को डाला है। ठीक है। हाँ, क्या नाम आपका? अतिकुर रहमान। किस मुद्दे पर इस बार आपने वोट डाला है? जो केजरीवाल ने वादे कर रहे थे पूरे कर दिए, उस मुद्दे पे डाला हमने। अच्छा, बस केजरीवाल के काम से खुश है आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल खुश है। यहाँ पे ऐसा कोई लोग नहीं है जिसने
दूसरी पार्टी को, कांग्रेस को या बीजेपी को वोट डाला हो? हाँ, घुमा के दिखाई जरा, नारे कोई नहीं लगाए, नारे कोई नहीं लगा, नहीं नहीं नारे नहीं लगाना, कांग्रेस को, कांग्रेस को या बीजेपी को वोट दिया हो? काम को झाड़ू वाला, सिर्फ झाड़ू को वोट पड़ा है, गरीबों के लिए सोचा है, गरीबों के बारे में सोचा है केजरीवाल ने, किसी नेता ने नहीं सोचा, जो इनने सोचा है, सारे सड़कें बनवाई, कमेंट भी नहीं है कोई किस तरह की, भाई बटन दबाएंगे तो आवाज वहाँ जाएगी, इस तरह की कोई बातें नहीं होती आम आदमी के अंदर। अच्छा, ये भी होना भी नहीं चाहिए। मशीन जो है ईवीएम मशीन, वो सही से काम कर रही थी? सही से काम कर रहा है, पता चलेगा आगे क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही, काम सही कर रहा है। पर्ची नीचे आई है जब सीटी बजी है, जिसको वोट डाला उसे। हाँ, वोट सही देखा है? जी जी, हमने स्क्रीन पे देखा है, स्क्रीन पे देखा है सही। कई बार आमतौर पे ही होता है ना कि चुनाव एक घंटा रोक दिया गया, मशीन बोले काम नहीं कर रही है, खराब हो गई है, कई जगह हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ है हमारे यहाँ। आपके इधर ऐसा नहीं हुआ? नहीं, हमारे यहाँ सही वोट पड़े, स्लो तो हुआ, बहुत ज्यादा लाइन में खड़े रहे तीन तीन घंटे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, स्लो रहा लेकिन वैसे कोई दिक्कत? वैसे दिक्कत कोई अभी डाल के आ रहे, बहुत टाइम लग गया, तीन तीन चार घंटे तक खड़े रहे ऐसे आराम से, बहुत स्लोली हुआ, मतलब काम बढ़िया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। वोट डालने में हमें अच्छा लगा आपकी सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए, टीवी में आपको अब एग्जिट पोल दिखाए जा रहे होंगे इस वक्त, लेकिन ये जनता का एग्जिट पोल है, जनता के बीच में हम लोग हैं, ना यहाँ पर कोई नेता है, ना यहाँ पर कोई बड़ा आदमी है। यहाँ पर एक मूंगफली की रेहड़ी के पास में हम लोग रुके थे, लोग जुड़ते चले गए और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को भी नहीं, कांग्रेस को भी इन लोगों ने वोट नहीं डाला है, केवल आम आदमी पार्टी को जो है यहाँ पर वोट डाला है। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मैंने इनसे बोला है अभी, किसी ने डाला है बीजेपी के, कांग्रेस को, बीजेपी को? उसकी वजह मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने 50 साल कांग्रेस ने और बीजेपी ने राज करा, 50 साल 60 साल जो भी करा राज करा, इन्होंने 5 साल के अंदर जो अपना केजरीवाल है उसने कर दिखाया, 5 साल में उसने पानी कर दिया और बिजली, ये सीएम नहीं, पीएम। आज तक कांग्रेस सबसे पहले आती रही, जब से देश आजाद हुआ था, जब से कांग्रेस आई उसने ऐसा काम नहीं करा, उसके बाद बीजेपी आई उसने ऐसा काम नहीं करा। मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ, दोनों पार्टियों से, जो इनने कहा 5 साल में, वो इसने करके दिखाया है, बाकी इन्होंने 50 साल में कुछ नहीं करके दिखाया। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि 5 साल केजरीवाल नहीं काम करा है, केजरीवाल ही काम करा, महिला की सुविधा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आगे केजरीवाल करेगा, लेकिन अगर ये दोनों जीने दें तो इसे केजरीवाल को, ये कुछ यहाँ तक हमारे मन, ये जो हमारे मोदी जी है ये अगर चलाने दे तो। चलिए, यहाँ पर जनता जो है वो एक तरफा केजरीवाल के नाम पर मोहर लगा रही है। 11 फरवरी को 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि जनता जो कह रही है वो रिजल्ट में बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी